हाँ भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आज का ये वीडियो शिक्षक दिवस पर इसलिए अपलोड किया गया है कि आपको एक सही मायने में शिक्षक से रूबरू करवाया जाए। मेरे साथ हैं महेश। महेश, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। महेश, जिस रूम में रहते हैं उस रूम का थोड़ा सा आप व्यू देख लें। एक शटर भी लगा हुआ है, तो दुकान समझने की गलती ना करें। ये दुकान नहीं है, इनका ऑफिस है, इनकी क्लासरूम है, इनका शयन कक्ष है, कुछ भी कहते हैं इनकी पूरी दुनिया है। यहीं पर ये रहते हैं, 8x8 का ये रूम है, इसी में ये पढ़ाई करते हैं, इसी में पढ़ाते भी हैं और यहीं सो जाते हैं और अपने साथी मित्रों को भी प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए और तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल मेरे स्टूडेंट भी हैं। किसकी तैयारी कर रहे हो आप? सर, मैं प्रेजेंट SSC CGL के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं और मैं दिखा दूँ इनका थोड़ा सा, आप देखेंगे तो इन्होंने अपने नोट्स भी ऐसे चिपका रखे हैं। आप लोग भी तैयारी करते होंगे, ऐसे नोट्स रखते होंगे, दिखेगा तो नहीं शायद, क्योंकि ये रियर व्यू से ही दिखता बिल्कुल सही। तो लेकिन जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ टारगेट इन्होंने लगा रखा है कि मुझे SSC CGL 2022 क्रैक करना है और इन्होंने अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं नीचे। ये इनका जुनून है कि CGL क्रैक करना चाहते हैं। यस सर। तो अभी भी हाल फिलहाल जहाँ पे मैं बैठा हूँ, अभी जिस समय मैं आया हूँ शाम के टाइम पे, इन्होंने मुझे बुलाया कि एक बार आएँ और मेरी काफ़ी चाहत थी कि आपको सही मायने में शिक्षक से रूबरू कराऊं, क्योंकि मैं वास्तव में ऐसे शिक्षकों को बहुत इज्जत देता हूं और इज्जत दी जानी चाहिए कि जो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, जरूरतमंद हैं। कितनी फीस चार्ज करते हो महेश आप? सर, मेरी प्रेजेंटली फीस 200 रुपये है। एक 200 रुपये प्रतिमाह? प्रतिमाह। कितने स्टूडेंट पढ़ाते हो आप? सर, अभी 20 के अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट है। 20 स्टूडेंट्स पढ़ाते हो आप, जिनमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब देना एक फीस देने में सक्षम नहीं है, तो मैं उनको फ्री भी पढ़ा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, फ्री पढ़ा देते हो आप, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट तो होती होगी निश्चित रूप से। सर, जो कई बार रिक्वायरमेंट होती है, मैं इसके अलावा मैं एक स्कूल में भी पढ़ाता हूँ जहाँ पर मैं अपना खर्चा निकाल लेता हूँ। हाँ। उसके अलावा मैं चाहते मेरी बच्चों को फ्री पढ़ाने की। और मतलब पिताजी क्या काम करते हैं आपके? पिताजी सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि मजदूरी आपने भी करी थी। यस सर। कब छोड़ा आपने ये काम? सर, जब से मैंने BSc कंप्लीट कर ली था उसे। क्या आपके कुछ एक्सीडेंट हो गया था शायद, आपने बताया जैसे मेरे को? यस सर, मैं स्लिप डिस्क प्रॉब्लम थी मेरे पास। किस कारण से हुआ ये? ये सर कोई हैवी वेट उठाने की वजह से हो गया था। आप वो मैं क्या बताऊँ, जैसे मेरी लैंग्वेज में बताऊँ मैं, आप समझ पाए नहीं समझ पाए कहाँ कौन से हिस्से में आप रहते हैं। परात उठाते हैं, बजरी की परात, सीमेंट की परात, तो उससे इनका स्लिप डिस्क हो गया था। उसके बाद में इन्होंने मजदूरी छोड़ के ये काम तो क्या कर ही रहे थे पहले से ही, देखो पैसा चाहिए आजीविका यापन के लिए, कुछ ना कुछ साधन चाहिए। इन्होंने ये बेहतरीन काम शुरू किया, पढ़ाते हैं ये अपने छोटे से रूम में 20 बच्चों को पढ़ाते हैं। करने को तो चार्ज और भी बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन 200 रुपये में पढ़ाते हैं। और उसमें भी कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो एक सैल्यूट बनता है महेश के लिए। तो ये जो 5 सितंबर का दिन है, मैं इनके नाम करता हूँ क्योंकि मुझे मिला एक नया शिक्षक, एक वास्तविक शिक्षक। अगर आपकी नज़र में भी ऐसा शिक्षक हो तो बताएं कमेंट में, और उनकी कहानी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।